हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल बिट्स यूट्यूब चैनल को। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को अपना डिवाइस चेंज करने का बड़ा शौक होता है। जी हाँ गाइस, आप सभी अपने डिवाइस चेंज करने के दीवाने होते हैं, यानी कि 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने के बाद आप अपना डिवाइस चेंज कर ही लेते हो। पर दिक्कत ये आ जाती है कि हमारे पुराने जो डिवाइस में वीडियोस, फोटोज़ या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं, वो हम नए डिवाइस में कैसे ट्रांसफ़र करें। या तो हम कुछ जेंडर वेंडर वगैरह से सेंड कर लेते हैं, पर ये दिक्कत बहुत बड़ी होती है कि जेंडर में कई सारे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। बट हमारे पास एक ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हो, यानी कि ओप्पो ले लो, सैमसंग ले लो, रियलमी, MI या किसी भी कंपनी का डिवाइस आपके पास है, अगर आपने नया फ़ोन वीवो का ख़रीदा है, तो आप इस उस फ़ोन में से नए वीवो के फ़ोन में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते आपका और हमारा टाइम न गवाते हुए। तो गाइज़, ये हमारे पास वीवो का Y30 और इसे हमने नया ख़रीदा है। तो गाइज़, हम अदर एंड्रॉयड डिवाइस से वीवो Y13 में डेटा ट्रांसफ़र करने वाले आज। तो मैं आपको दिखा दूँ कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको वीवो में क्या करना पड़ेगा। पहले तो वीवो के फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, ये है इजी सेल, और आपको अदर ब्रांड में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें हमें इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस, ये डिवाइस हमारे पास सैमसंग कंपनी का, इसमें से हम वीवो Y13 में डेटा को मूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सैमसंग में प्ले स्टोर में चले जाएंगे, यहाँ से हम इजी शेयर करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर हमें सर्च करना है इजी शेयर, और ये सर्च कर लिया, यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप कैसे इजी शेयर को वीवो में से अदर ब्रांड्स के फ़ोन में मूव कर सकते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, अपने इजी शेयर को ओपन कर लेना है। अब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, आपको चले जाना है यहाँ पर 3 डॉट्स पर, यहाँ पर इसे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर इजी शेयर यानी कि इनवाइट फ्रेंड्स टू इंस्टॉल इजी शेयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको शेयरिंग विया ब्लूटूथ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करोगे, आपका ब्लूटूथ टर्न ऑन हो जाएगा, और सामने जो डिवाइस है आपके पास उसमें आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, और वहाँ पर आपको इस आपका डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ इसे क्लिक कर लेना है, और सामने वाले डिवाइस में आपका इजी शेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, देख लेते हैं फटाफट हमारे और डिवाइस में इजी शेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, अभी ये प्रोसेस चल रहा है। तो गाइस, हमारे सैमसंग के डिवाइस में इजी शेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, दोनों डिवाइस में हमें इजी शेयर को ओपन कर लेना है। इसमें भी हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोनों में ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिम्बॉल आपको दिखा रहा है, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पर मैं आपको दिखा दूँ कि एक कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन क्लोन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ़ोन क्लोन, यानी कि उसे फ़ोन क्लोन कहते हैं। और दोनों में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे फ़ोन क्लोन को, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे I am न्यू डिवाइस, और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे I am ओल्ड फोन्स। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर इसमें जनरेट द QR कोड, और यहाँ पर QR कोड जनरेट हो चुका है, और इसमें से हम इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे। QR कोड को स्कैन करने के बाद ये दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ अभी कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि कैसे ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इसे अलाउड कर लेना है, आपकी ये परमिशन मांग रहा है कि आपका जो डेटा है वो आप अदर फ़ोन में मूव करना चाहते हो या नहीं। फ़िलहाल अब ये डिटेक्टिंग हो रहा है, बैकअप 10 मिनट्स में इसमें से वीवो के फ़ोन में मूव हो जाएगा। ये सारा डेटा हमने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको कोई डेटा, यानी कि अभी आपको ये इवेंट नहीं चाहिए, मैसेज नहीं चाहिए, तो आप इसे यहाँ से टिक मार हटा सकते हो, पर हमें सब कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट डिवाइस टू स्विच।
स्विच करने के बाद देख सकते हो कि आपका डेटा इसमें से इस फ़ोन में रिसीव होना शुरू हो चुका है। सारा डेटा आप देख सकते हो कि कैसे ये दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टार्ट हो चुका है, कॉल लॉक स्टार्ट हो चुका है, इवेंट स्टार्ट हो चुका है और आपके इमेजेस भी मूव होना शुरू हो चुके हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था कि अगर आप ऐसे ही किसी भी कंपनी यानी कि किसी भी ब्रांड के फ़ोन से वीवो में डेटा इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।